हाँ फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। अब पंपू देखो सो के उठ गई है। ये देखो वेलकम टू आवर चैनल। बोल देते, बोलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने घर से खेतों का व्यू दिखा रही हूँ कि कैसे मेरे घर से खेत दिखते हैं। हरे भरे गेहूं के खेत, सरसों के खेत, सब्जी के खेत, पता नहीं क्या क्या लगा है। कहीं आलू लगा है, लेकिन खाली सब रख रहे हैं, कहीं लेके जा रहे हैं। ये देखिए, और ये मेरा घर है दूसरा वाला जिसमें हम लोग रहते हैं। ये मेरा दूसरा वाला घर है जिसमें हम लोग रहते हैं। और ये मेरे पापा का बाग बगीचा है। मेरे पापा भी कहीं दिख रहे हैं। और हे, मेरे पापा दिख रहे हैं, देखिए। वो सब्जी लगा रहे हैं पापा मेरे। और ये नारियल का पेड़ है। और ये मेरा दूसरा वाला घर है जिसमें हम लोग रहते हैं। और ये मेरा जो जिस छत में हूँ मैं, ये है, इसमें कोई नहीं रहता है, ये ऐसे ही पड़े रहता है। और यहाँ देखिए, लहसुन लगाया गया है, गुलाब का पेड़ है, और गेंदा का पेड़ है, पपीता का पेड़ है ढेर सारा। अरे देखिए, मेरा भैया है। हाय करिए, हाय बोलिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और कितने सारे पेड़ है मेरे घर में। और वहाँ पंपू सो रही है। पंपू का कब मॉर्निंग होता है, फिर कब नाइट होता है, कुछ समझ नहीं आता है। जब भी सोती है, जब भी उठती है। हमारे घर में देखो एक ठो पड़िया भी है, जिसका नाम मिंटी है। पड़िया यानी भैंस का बच्चा, जो फीमेल वाली होती है उसको बोलते हैं पड़िया। अमेल को पड़वा। हम लोग के पास है मिंटी। इस समय हमारे पास मिंटी है, और मिंटी की माँ गई है घूमने किसी और के घर में है। वो जब फिर बच्चा देगी तो फिर मेरे घर आएगी, इसीलिए वो घूमने गई है अभी। और ये देखिए, हमारे घर में कितना बड़ा अमरूद का एक ठो पेड़ है, और एक ठो पेड़ है, और एक ठो वहाँ देखिए पीछे पेड़ है आम का और अमरूद का। मुनगा का पेड़ है। हाँ, वो सहजन का पेड़ है मेरे यहाँ, वो आम का पेड़ है, केला पेड़ है। वो देखिए केला का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, वही बैंगन का पेड़ लगा है, गोभी लगा है, धनिया लगा है, मिर्चा लगा है, टमाटर लगा है। और ये क्या बोल रहे हैं जरा सुनिए गौर से। ये बच्ची पढ़ नहीं रही है। अभी मैं पढ़ के आई। वाओ, अभी बाहर बैठ के ही तो। हाय फ्रेंडा, खाओ मिरिंडा। अरे हमारे गांव के प्रधान का घर है। ओ दीदी, सबसे बड़का से दिख रहा है। हाँ, जिसके छत में कोई चढ़ा है। वो प्रधान का घर नहीं है, सॉरी। वो किसका घर है? हमारे गांव में एक लोग है, उनका घर है, नहीं मालूम, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। हमारे गांव के प्रधान का घर ये, वो उसके पीछे वाला घर है जिसके ऊपर टंकी दिख रही है एक ठो। और मेरा गांव देख के आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, और लाइक करिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। इस समय पूरे खेतों में जहाँ तक आपका नज़र जाएगा, सिर्फ गेहूं और सरसों, और सरसों और गेहूं, गेहूं और सरसों, सरसों और गेहूं, यही लगा है। इसके आगे ना कुछ लगा है, ना इसके बाद कुछ लगेगा। नहीं लगा है, वो लगेगा। वो जो दूर में एक टूटा सा फार्म दिख रहा है, उसके पीछे वाले खेत में सब्जी लगा है। सब्जी लगा है, वो हमारा खेत है, वो फार्म भी हमारा था जिसको हमने बंद करवा दिया है। अब हम पोल्ट्री फार्म नहीं चलाते हैं। और उस फार्म में भी सब्जी लगा है। उसमें भी सब्जी लगा है। सब्जी बोएंगे एंड खाएंगे। और इधर बल्ली पेड़ है जिसमें हम लोग हाथी मार देंगे किसी दिन, मजा आ जाएगा उसके बाद।
नहीं नहीं ऐसा हम लोग गलत काम नहीं करते हैं, हम लोग काफ़ी शरीफ लोग हैं, हम लोग आगे से झगड़ा नहीं करते हैं, बाद में झगड़ा करते हैं।